हाँ बच्चों, आज हम नया टॉपिक सारणिक सारणिक की बात करेंगे। इसको हम डिटरमिनेंट हैं। देखिए, यदि इसकी परिभाषा की बात करें यह है एक एन गुणा एन क्रम का वर्ग अवयव है जिसका एक अद्वितीय मान होता है। जैसे यदि अवयव ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे, ठीक है ना, क्रम इसका समान होना जरूरी है, एन बाई एन हो या एम बाई एन हो। इसका सारणिक ए जो होगा, सारणिक ए और सारणिक का चिन्ह ही होता है, ये जो है होगा वो इसका सारणिक, एक अद्वितीय मान देगा। यानी कहने का मतलब है एक फिक्स वैल्यू देगा ये। तो अब सारणिक में और अवयव में क्या अंतर है? ये सारणिक है, इधर डिटरमिनेंट, और ये अवयव है मैट्रिसेस। यदि दोनों में अंतर की बात करें पहला अंतर यह है केवल समान क्रम का ही होता है अवयव में, यह है समान या असमान दोनों क्रम का हो सकता है। सारणिक का एक निश्चित मान है, अद्वितीय मान होता है, इसका एक निश्चित मान होता है। अवयव का निश्चित मान नहीं होता है। जैसे सारणिक का तो मान 2 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, लेकिन अवयव का ऐसा नहीं है। सारणिक में यदि स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में बदल जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अलग अवयव बन जाता है। स्तंभ व पंक्तियों को परस्पर
बदलने पर मान वही रहता है। आव्यूह में पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर अलग आव्यूह मिलता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब जरा आगे चलें। 1 बाई 1 क्रम का, यदि हम एक क्रम का सारणिक, एक क्रम का सारणिक का मान, यदि ए मान लो आपका दिया हुआ है ए, ठीक है ना, 1 बाई 1 क्रम का है, तो सारणिक ए, सारणिक ए लिखेंगे या सारणिक को ऐसे लिख दिया तो बस ये इसमें आ जाएगा, और ये केवल ए ही मान आएगा, अर्थात ये 3 है तो 3 आएगा, सारणिक में 2 है तो 2 आएगा, सारणिक में 1 है तो 1 आएगा, सारणिक में -3 है तो -3 ही आएगा, 0 है तो 0 आएगा। 1 बाई 1 क्रम का जो सारणिक होता है, वैसे ज्यादातर अपने उपयोग में नहीं आता है, अपने उपयोग में 2 बाई 2 या 3 बाई 3 क्रम के सारणिक ही उपयोग में आते हैं। 2 बाई 2 क्रम के सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो ए दिया हुआ है आपका, a1 b1, a2 b2। अब हमें इसका सारणिक निकालना है। सारणिक की जो वैल्यू होती है, मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये तो आपका मैट्रिक्स है, लेकिन सारणिक लिखेंगे तो क्या आएगा, a1 b1 a2 b2। इसको कैसे हल करते हैं? इसका गुणा माइनस इसका गुणा, तो क्या आएगा, a1 b2 - a2 b1। यानी 2 बाई 2 क्रम का यदि आपको सारणिक हल करना है तो पहले इस वाले विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस इस वाले विकर्णों के अवयवों का गुणनफल। देखें जरा, 2-3 एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं इसको। मान लीजिए ऐसे है सारणिक 1 2 3 4, इसको कैसे हल करेंगे, इसका और इसका गुणा माइनस इसका और इसका गुणा, तो 4 - 6 तो -2 आ गया। इसी प्रकार से 1 - 1 2 और 1, तो कैसे हल करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, अर्थात सॉरी इन दोनों का गुणा ये आया माइनस और फिर इनका गुणा, तो 1 + 2 यानी 3 आ गया। इसी प्रकार से 0 4 9 3, मान लो यह है, तो पहले इन दोनों का गुणा -4 × 9, मतलब -36। इसी प्रकार से 1 3 4 7, तो कैसे आएगा, इसका इसका गुणा, पहले इसका इसका गुणा फिर माइनस का चिन्ह फिर इन दोनों का गुणा, तो क्या आया, 7 - 12 मतलब -5। और आप देखना चाहें तो और देख सकते हैं,
दो बाई दो क्रम के सारणिक को हल करना सबसे आसान काम है। देखें जरा, 6, 4, 3, 2, इसका मान निकालना है। तो क्या आएगा, 6 × 2, पहले इनका गुणा, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इन दोनों का गुणा, तो 12 − 12 तो 0। इसीलिए हमने कहा था किसी भी सारणिक को जब हल करते हैं तो कोई ना कोई एक निश्चित वैल्यू आती है। और देखें जरा, 6, 14, 1, 3, इसका मान निकालना है। तो पहले इनका गुणा करो, तो 6 × 3 − 1 × 14, तो ये आ गया 18 − 14, मतलब 4 आ गया। इसी तरीके से 3, 7, 0, 4, इसको करें सॉल्व, तो पहले इनका गुणा, तो 3 × 4 − 7 × 0, तो 12 − 0 मतलब 12 आ गया। तो ये 2 बाई 2 क्रम के सारणिक को कैसे हल करते हैं वो अभी हमने जाना। अब जरा 3 बाई 3 क्रम का कैसे करते हैं वो देखें जरा। 3 बाई 3 क्रम का सारणिक हम कैसे हल करेंगे, 3 बाई 3 क्रम के सारणिक का हल या मान कैसे निकालते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये कोई सारणिक है हमारा, ये है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये 3 बाई 3 का है। इसको यदि हमें हल करना है तो हल करते टाइम ध्यान रखें, सबसे पहले ये लेंगे a1, a1 लिया। अब a1 लिया तो a1 की ये वाली सी छोड़ो और ये छोड़ दो, तो इसकी ये सी छुपा दो और ये छुपा दो, तो उसके बाद जो बचा उसे लिख दें, तो b2 c2, b3 c3, फिर माइनस लेंगे। अब इसको लेंगे, उधर भी जा सकते हैं इधर भी आ सकते हैं। तो मान लो हमने b1 लिया, तो अब b1 की सीध में जो जो आ रहा है, तो b1 की सीध में 1 तो आ रहा है और 1 आ रहा है, तो अब यानी ये बचे बस a2 a3, c2 c3, प्लस अब c1 लेंगे, तो क्या आएगा, c1 की सीध छोड़ो, ये गया और ये गया, तो ये बचा a2 b2, a3 c3। अब 2 बाई 2 का तो सॉल्व करना पहले से जानते हैं, तो क्या आएगा, ये a1, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये, तो b2 c3 − b3 c2 −b1 b1 ले लिया, तो a2 c3 − a3 c2 प्लस c1 लिया, a2 b3 − a3 b2। इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। ये 3 बाई 3 क्रम वाले का हल करना आना जरूरी है, क्योंकि पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो 2 बाई 2 के या 3 बाई 3 क्रम के सारणिक हल करना ही है और कुछ नहीं है उसमें। देखें जरा इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जरा आराम से देखें। मान लीजिए ये है 1 2 3 −1 4 5, ये है −2 0 और 6। मान लीजिए इसको हल करना है, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले एक ये वाला एक ले लिया, तो ये एक लिया तो इसकी ये सीध छोड़ दो और ये सीध छोड़ दो, ये सीध छोड़ के जो बचा उसे लिख दो, तो 4 5 0 6, फिर माइनस,
पहली बार वाले के सामने प्लस लगाएंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चिन्ह चलता है। अब आपने दो ले लिया, तो अब दो की सीध में जो जो जा रहा है, दो की सीध में एक तो ये आया और एक ये, इसको छिपा दो, तो ये क्या बचा? -1 -2 और 5 और 6 +3। अब 3 ले, 3 की सीध ये दोनों छिपा दो, तो -1 -2 4 और 0। अब जरा इसको हल कर लें, ये तो एक है ही, इसका दो वाला गुणा कैसे होता है? ये माइनस ये, तो 24 -0 -2। अब इसका इसका गुणा करो, तो -6, माइनस चिन्ह में लगता है, और इनका तो +10 +3, इसका इसका गुणा किया तो 0 माइनस माइनस +8, तो कितना आया ये? ये तो आया 24 माइनस, ये कितना बचा? 4, 4 दूनी 8, और वो हो गया 24। तो 48 में से 8 गया तो ये 40 आ गया आपका। तो इस प्रकार से 3 बाई 3 क्रम के सारणिक को हम हल करते हैं। और देखें जरा 3 बाई 3 क्रम का और कैसे हल करेंगे। मान लीजिए हमें दिया है ABCFGH, FGH, मान लो इसको हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम A लेंगे, A लेंगे तो A की ये लाइन छोड़ दो और ये तो जो बचा उसे लिख दो BFFC माइनस। अब एच लिख दो, ये एच, ये एच की ये लाइन गई और ये गई HGFC प्लस। अब जी लिखो, जी लेंगे तो जी की ये लाइन गई और ये, तो HBGF। अब इसको जरा हल कर लें, ए ये क्या आएगा? BC-F2, H ले लिया, CH-GF, तो ये G आया, HF-BG, तो क्या आ जाएगा? ABC, ठीक है ना? FGH एक ये और एक FGH है, तो +2FGH माइनस AF² - BG² - CH² तो ये 3 बाई 3 क्रम के सारणिक को हल करने का तरीका है। और देखें जरा, क्योंकि यदि ये आपको आ गया तो आपको समझिए पहली वाली एक्सरसाइज भी आ गई। देखें जरा, -1 2 3 0 4 9 1 7 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लेंगे -1, तो -1 वाली लाइन छोड़ दे रहा, तो क्या आया? 4 9 7 2, फिर -2। अब 2 लिया तो 2 की सीधी है और ये छोड़ दो, तो 0 1 9 +3 ले लो, 3 ले तो क्या आएगा? 0 4 1 7। चले जरा माइनस, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 8 -63 -2। अब इसका इसका मल्टीप्लाई आया 0 -9 +3, 3 ले तो 0 -4, तो कितना आया? ये 63 में से 8 गए तो 55 बचे माइनस के, तो प्लस के 55 हो गए। अब जरा इसकी बात करें तो +18। अब इसकी यदि बात करें तो -12,
यानी हमारा मान 61 आ गया। तो इस तरीके से आप 3x3 क्रम के सारणिक को हल कर सकते हैं। और देखें जरा, मान लीजिए 1 3 5 -1 2 7 0 1 8, इसकी वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए हमें, तो सबसे पहले एक को लेंगे, एक लेंगे। जब एक लिया तो एक की ये सीध छोड़ो और वो, मतलब इसको छुपा दो, ये बचा, इसको लिख दो जरा 2 7 1 8 माइनस। अब माइनस ले लो, 3 लिख दो, तो 3 की जो सीध है उसे छिपा दो, 3 की सीधी है और ये वो छिपा दो, -1 0 7 8 प्लस। अब 5 ले लो, 5 लेंथ ये हटा दो, -1 2 0 और 1 निकाले 1, ये माइनस ये, तो 16 -7, फिर 3, अब इसका इसका मल्टीप्लाई करें तो -8 -0 +5, इसका इसका मल्टीप्लाई -1 -0, तो क्या आ गया, ये 16 में से 7 गए तो 9 बचे, और ये माइनस का 3 तो ये प्लस का हो गया 24, और वो हुआ -5। तो कहने का मतलब ये 9 में से 5 गए तो 4, यानी 28 आया इसका आंसर। तो कोई भी सारणिक होगा तो उसका कुछ ना कुछ निश्चित मान अवश्य होगा। और देखें जरा, 3x3 क्रम का ही एक और सारणिक देखें। मान लीजिए वैल्यू है -1 2 7 -2 3 11 1 0 7 8, ये अब इसको हल करें तो सबसे पहले -1 लेंगे, -1 की ये दोनों सीध छोड़ दो, तो 3 11 0 8 -2 2 लें, ये और ये लाइन छोड़ दो, -2 1 11 और 8 +7 लें, 7 लें तो -2 3 1 0। देखें जरा, -1 इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो 8 3 24 -0 -2 देखें तो ये आया -16 -11 +7 0 -3 कितना आया, ये -24 और ये कितना आया -27 में 2 का गुणा तो +54 हो गया और -21, तो 54 माइनस इन दोनों को जोड़ा तो 45, अर्थात इसकी वैल्यू 9 आ गई है। इस तरीके से आप कुछ भी 3x3 क्रम का सारणिक हल कर सकते हैं, ठीक है। और जो बात है वो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, इससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।